दुश्मनों ने पूछो तारा सिंह कौन है। दोस्तों, गदर 2 ने एडवांस बुकिंग में तोड़े सभी रिकॉर्ड्स। सनी देओल की फिल्म गदर 2 की रिलीज को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। गदर 2 की एडवांस बुकिंग 1 अगस्त से शुरू हो गई। ओपनिंग डे के एडवांस बुकिंग के नतीजों की बात करें तो इतने टिकट्स बिके हैं कि धांसू ओपनिंग का होना तय माना जा रहा है। फिल्म के ट्रेलर और गानों ने पहले ही माहौल बना दिया है। सनी देओल और अमीषा पटेल की मोस्ट अवेटेड सीरीज बस कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है। फिल्म को लेकर दर्शकों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। यह हम नहीं बल्कि एडवांस बुकिंग के कलेक्शन बता रहे हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि अक्षय कुमार की OMG 2 के बीच ही गदर 2 की ओपनिंग काफी अच्छी होगी। अनिल शर्मा की डायरेक्टोरियल गदर 2 एक्शन फैक्ट मूवी है जिसमें एक बार फिर सनी देओल का दमदार अवतार देखने को मिलेगा। सनी देओल की फिल्म फैन को इस मूवी की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की एडवांस बुकिंग की बात करें तो मल्टीप्लेक्स में पहले दिन के कमाल के आंकड़े सामने आए हैं। फिल्म क्रिटिक तरल आदर्श ने गदर 2 की ओपनिंग डे के लिए कितने टिकट बिक गए हैं इसकी जानकारी शेयर की है। गदर 2 के एडवांस बुकिंग रिस्पांस को देखकर ऐसी चर्चा है कि पठान के बाद गदर 2 मार्स बेल्ट में बड़ी ओपनिंग ले सकती है। हाल ही में फिल्म का गाना मैं निकला गड्डी लेकर रिलीज हुआ था। इस गाने को पिता बेटे की जोड़ी उदित नारायण और आदित्य नारायण ने गाया है। गदर फिल्म के इसी गाने को भी उदित नारायण ने गाया था। इसके पहले उड़ जा काले कावा गाना भी नए कैलिवर में रिलीज किया गया। इसके अलावा ट्रेलर के अलावा गदर 2 के गानों ने पहले ही माहौल बना दिया है। दोस्तों, कुल मिलाकर एक बार फिर अमीषा पटेल और सनी देओल की गदर फिल्म ने पूरे बॉलीवुड में गदर मचा दिया है। यह 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, गदर 2 के बारे में आपका क्या कहना है और यह फिल्म कितनी सफल होगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।